We have two types of writing. We call it writing task 1, writing task 1, and writing task 2. When we talk about writing task 1 and writing task 2, here in academic and general training, writing task 1 differs. Academic writing task 1 is different, general training writing task 1 is something else. But in writing task 2, it is same. आपका एकेडमिक है ना? ओके, इन एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 यू विल बी गेटिंग लाइन ग्राफ लाइक दिस. इट इज गोइंग टू बी लाइन ग्राफ. ओके, दिस इज बार चार्ट, देन वी हैव पाई चार्ट. Apart from that, we have table. Okay, then there is a process diagram. First of all, after that, later on, then like this. Then there is a comparison between two maps. ये आपके पास आते हैं writing task के अंदर. These are the different tasks. इन में से या तो आपको मिलेगा line graph. You can have बार चार्ट, यू कैन हैव पाई चार्ट, यू कैन हैव टेबल, या फिर आपके पास आ जाएगा प्रोसेस डायग्राम, या फिर आपके पास कंपैरिजन बिटवीन टू मैप्स. इस तरीके से आपके पास डिफरेंट राइटिंग टास्क आ जाते हैं. अब होता क्या है यहाँ पे कि हमारे पास इन में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है. ठीक है, यू विल बी राइटिंग 150 वर्ड्स इन राइटिंग टास्क 1 एंड 250 वर्ड्स इन राइटिंग टास्क 2. अब मैं आपको राइटिंग टास्क 1 की एक एग्जांपल दिखाता हूँ. दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन, दिस इज राइटिंग टास्क. यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क. कितने मिनट्स? 20 मिनट्स. 20 मिनट्स यू आर गेटिंग हियर एंड यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स. ओके, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेन, तो आपने सबसे पहले इस पार्ट को रीफ्रेज करना होता है. यू हैव टू रीफ्रेज द क्वेश्चन. ठीक, जब हम इसको रीफ्रेज कर लेते हैं तो रीफ्रेज करने के बाद आपने इसको यूं करना होता है कि ओवरव्यू देना होता है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज ओवरव्यू. And third point is explanation. Here you have to explain the things. अब ये तीन चीज़ें हैं जो आपने करनी होती हैं. और if you want to write summary, तो फिर आप overview को छोड़ के summary लिख सकते हैं at the end. Overview and summary, वो दोनों same ही चीज़ें होती हैं. Everything is in reading about 50 words? जी, Everything you will be writing only 150 words. ये सारा मिला के 150 words होता है. ओके, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीफ्रेज करते होते हैं. जब हम क्वेश्चन को रीफ्रेज करते हैं तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो वर्ड्स यूज हुए हैं, हाउ वी कैन चेंज द मैप्स. नीचे दो मैप्स हैं बेसिकली, एक ये है, एक उससे नीचे है, थोड़ी देर में मैं आपको शो करता हूँ. बिलो का वर्ड कट जाएगा, शो का सिनोनिम यूज करना है. व्हाट कैन बी द सिनोनिम ऑफ शो? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ शो? आइडेंटिफाइज, टू है ना, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा, डिपिक्ट हो जाएगा, इल्यूस्ट्रेट, डेलिनिएट्स, इन्यूमरेट्स. ठीक है, टेल्स, कोई भी आप यहाँ पे सिनोनिम लगा सकते हैं. एन इंडस्ट्रियल एरिया, आप इसको फैक्ट्री एरिया कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को. इन द टाउन, टाउन का इन एन अर्बन एरिया कह सकते हैं. ऑफ नॉर्बिटन, इट्स अ प्लेस. एंड प्लैंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द साइट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी आफ्टर डेवलपमेंट. तो ये इसका आपने रीफ्रेज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीफ्रेज ए.
जब रीफ्रेज कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया पहले कैसे था, बाद में कैसे था। ये जो सेकंड पार्ट है इट इज़ आफ्टर डेवलपमेंट, और ये जो पार्ट है आपके पास पहले वाला इट इज़ बिफोर डेवलपमेंट। ठीक है, अब बिफोर डेवलपमेंट में हमारे पास क्या है, वी हैव लाइक दिस इज नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया, नाउ नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया दैट इज प्लैंड। ये रिवर देखें आपके पास जा रहा है, दिस इज रिवर ऑन द नॉर्थ। अगर तो ये चीज़ बनी है तो वेल एंड गुड, नहीं बनी तो आपने फौरन से पहले यू हैव टू ड्रा इट लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये सबसे पहले बना लेना होता है। अगर बना है तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो फौरन से बना लेंगे। नॉर्थ साइड देर इज अ रिवर, वेस्ट साइड देर इज अ टाउन, एंड ओवर हियर दिस इज फैक्ट्री एरिया, लाइक ऑल दीज आर फैक्ट्रीज, ये सब फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज के अलावा कुछ भी नहीं है। दिस इज द रोड, और ये रोड ऊपर जाता है, देर इज अ स्क्वेयर, ये फैक्ट्री एरिया में रोड आ जाता है। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा ये एरिया है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन या एट द मोमेंट, ठीक है, नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया इंक्लूड्स रिवर ऑन द नॉर्दर्न साइड, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द फैक्ट्री एरिया देर इज अ टाउन, वेयर एज फैक्ट्रीज आर स्कैटर्ड ऑन द डिफरेंट पार्ट, ठीक है, अराउंड द स्क्वेयर एंड ऑन द ईस्ट साइड। अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है जो आफ्टर जो प्लैंड है ना, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन हियर, यहां पे क्या होने वाला है। तो यहां पे हमने ये देखना है, जैसे कि आपके पास है प्लैंड फ्यूचर डेवलपमेंट, राइट। अब प्लैंड फ्यूचर डेवलपमेंट में यू हैव टाउन ऑन द वेस्ट साइड, रिवर जो है, अर्लियर देर वॉज अ रिवर ऊपर वाले खाते में, यहाँ पे उन्होंने रिवर को क्रॉस करके ब्रिज बना के और ये फार्म लैंड बना दिया, देर इज अ फार्म लैंड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द फैक्ट्री। यहाँ पे फैक्ट्रीज थी तो उन्होंने ये फैक्ट्रीज तीन थी इधर, एक यहाँ पे, दो उधर ले गए, एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड शॉप्स, मेडिकल सेंटर, प्ले ग्राउंड एंड स्कूल। कुछ फैक्ट्रीज इधर से कम करके उन्होंने क्या किया है, बल्कि फैक्ट्रीज तो सारी ख़त्म हो गई है ना, दिस इज हाउसिंग नाउ, दीज आर नॉट फैक्ट्रीज, दीज आर हाउसिंग। सो फैक्ट्रीज हैव बीन रिप्लेस्ड विद हाउसिंग, शॉप्स, मेडिकल सेंटर, प्लांट, स्कूल। अब जो स्क्वेयर है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वेयर या ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द स्क्वेयर देर इज अ स्कूल, ऑन द ये जो बनता है कॉर्नर, ये था हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये साउथ ईस्ट में मेडिकल सेंटर है फ्रॉम द स्क्वेयर, और साउथ वेस्ट में वी हैव शॉप्स, ईस्ट साइड पे प्ले ग्राउंड है, और प्ले ग्राउंड के लिए पहले सिर्फ ये रोड था, नाउ दे हैव लिंक रोड एज वेल, एंड एट द एंड देयर इज अ स्कूल, ये भी उन्होंने एक्सटेंड किया रोड को, और ये रोड भी एक्सटेंड हुआ। दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स जो यहाँ पर आई हैं, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें, इसको एक्सप्लेन करना होता है। ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन व्हाट यू हैव टू राइट, ये मैं आपको एक इसका आंसर दिखाता हूँ।